नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ में। केंद्र सरकार के किसान कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आ रहे हैं, ऐसे में अब क्या कुछ आज होने वाला है या आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे में इन सब के बीच में आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस जुट गई है। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं को किसानों के लिए फिलहाल सील कर दिया गया है। इसी के साथ साथ किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में मेट्रो सेवा पर भी आंशिक असर पड़ा है। पड़ोसी राज्यों से आने वाले मेट्रो रूट पर दोपहर 2 बजे तक मेट्रो सेवा बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशन से लोगों के बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पंजाब हरियाणा से आ रहे हजारों किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पंजाब के करीब 30 किसान संगठनों ने आज दिल्ली में महाधरने की बात कही है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर से बुधवार को ही किसानों ने दिल्ली कूच किया था। किसानों का कहना है कि वो केंद्र द्वारा लाए गए कानूनों के खिलाफ हैं और उन्होंने कहा कि हम 1 महीने के राशन के साथ आए हैं। किसानों ने अपने प्रदर्शन में नारा दिया है कि घेरा डालो डेरा डालो। दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। गुरुवार को बंगाल में करीब 21 किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे और किसानों की मांगों के लिए समर्थन करेंगे। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की। आज 26/11 आतंकी हमले की बरसी है। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने साल 2008 में आज के दिन मुंबई को गोलीबारी और बम धमाकों से दहला दिया था। 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में करीब 160 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 3 दिनों तक चले हमले के दौरान सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था और एक आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया था, जिसे नवंबर 2012 में पुणे में फांसी दी गई। मुंबई हमलों की छानबीन के बाद यह पता चला कि लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे। बताया जाता है कि सभी आतंकी 26 नवंबर को रात के करीब 8 बजे कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे थे और वहां से 4 ग्रुपों में बंटकर टैक्सी के अलग अलग स्थानों पर चले गए थे। और इस दौरान कुछ मछुआरों को इस बात का शक हुआ था कि उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 26 नवंबर को रात करीब 9 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर सामने आई। रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की और करीब 15 मिनट में ही 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि करीब 109 लोग घायल हो गए। इसके बाद आतंकियों ने दिल्ली मुंबई का लियोपोल्ड कैफे, पोरबंदर विले, पार्ले ताज होटल, ओबेराय ट्राइडेंट होटल को भी अपने कैद में कर लिया और उस पर हमलाबाजी शुरू कर दी। इन सब के बीच में 109 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद आतंकियों ने दिल्ली मुंबई का लियोपोल्ड कैफे, पोरबंदर विले, पार्ले ताज होटल, ओबेराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस में हमला कर दिया था। हमले के वक्त लियोपोल्ड कैफे में करीब कई विदेशी नागरिकों के समेत 1800 से ज्यादा मेहमान थे, जबकि ताज में 450 और ओबेराय में 380 लोग मौजूद थे। आतंकियों ने ताज और ओबेराय होटल के अलावा यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को कब्जे में ले लिया था और कई लोगों को बंधक बनाकर रखा था। 3 दिनों की जंग के बाद सुरक्षा बलों को सफलता मिली थी और हमले के बाद रैपिड एक्शन फोर्स RPF और मैरिन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो ने मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों का 3 दिन का वक्त लगा था। इस दौरान लाइव मीडिया कवरेज के कारण भी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि आतंकवादियों को टीवी पर पल पल की जानकारी मिल रही थी कि कहां क्या हो रहा है। इस दौरान आतंकियों ने कई जगह धमाके भी किए थे, आग लगाई और फायरिंग भी करके बंधकों को मौत के घाट उतार दिया। करीब 60 घंटे की लड़ाई के बाद सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया, जबकि अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा है। सुरक्षा बलों ने अजमल आमिर कसाब को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया था और जिसने पुलिस हिरासत में गुनाह कबूल किया। इसके बाद ऑर्थर रोड जेल को कसाब का ट्रायल के लिए चुना गया और उज्जवल निकम सरकारी वकील बनाए गए, जबकि विशेष अदालत ने अंजलि बागमारी कसाब का वकील नियुक्त किया था। कसाब को 312 मामलों में आरोपी बनाया गया। मई 2010 में कोर्ट ने कसाब को दोषी ठहराया और विशेष अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। और आज 26 नवंबर है और ऐसे में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी माना जाता है। इस तरह से भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी रचना की थी। यह दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। इस दिन सन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
26 नवंबर को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया जो 1950 से लागू हुआ। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के निर्णय को अधिसूचित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और न्यायविद थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति थे और वर्ष 2015 में अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। भारत के संविधान दिवस का उद्देश्य भारतीय संविधान और इसके वास्तुकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महत्व के बारे में जागरूकता लाना है। इस दिन के बारे में घोषणा 11 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की आधारशिला रखते हुए की गई थी। संविधान भारत सरकार के लिखित सिद्धांतों और उदाहरणों का एक समूह है जो कि मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, अधिकारों, निर्देश सिद्धांतों, प्रतिबंधों और सरकार और देश के नागरिकों के कर्तव्यों को पूरा करता है। भारत को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन संविधान देता है। देश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बीते 24 घंटे में 44,000 से नए मामले सामने आए हैं। 44,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। सबके बीच में बीते 24 घंटे में 524 लोगों की जान भी गई है। 36,367 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। भारत में लगातार 19वें दिन कोरोना के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 44,489 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 524 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अब कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या कम आ रही है। बीते दिन 36,367 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे अधिक है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 7वें स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 92,66,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,35,223 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल एक्टिव केस बढ़कर 4,52,000 पर आ गए हैं। उसके साथ ही पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 7,598 तक जा पहुंची है। अब तक कुल 86,79,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 36,367 मरीज कोरोना से ठीक हुए। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश में 25 नवंबर तक कोरोना वायरस के कुल 13,55,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,00,000 सैंपल कल टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट 7% है, यानी कि देश में ब्राजील और अमेरिका के आसपास है। करीब महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे अधिक है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस में रेट केस के रेट लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है इसमें, और इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ते जा रहा है। फिलहाल देश में कोरोना की मृत्यु दर 1.4% है जबकि रिकवरी रेट 9.72% है। एक्टिव केस 5% से भी कम है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 7वां स्थान है और कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नाम आता है। और बात करेंगे चक्रवाती तूफान निवार की। तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से निवार टकराया है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई थी और बता दें कि इस दौरान निवार जब आया तब हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। चक्रवाती तूफान निवार आधी रात के बाद तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से टकराया। इस दौरान बहुत तेज हवाएं चली। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान निवार के समुद्र तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी था। जिस वक्त तूफान ने समुद्र तट को पार किया उस दौरान हवा की रफ्तार अत्यधिक तेज थी। मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरह से निवार आया है और ऐसे में निवार चक्रवाती तूफान ने बेहद विकराल रूप धारण कर लिया है। वीडियो के तेज हवाओं का मंजर साफ देखा जा रहा है और इसमें जो नुकसान हुआ है उसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया था कि तूफान की गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी जो कि बढ़कर 145 से 150 किलोमीटर तक हो सकती है। तूफान निवार के मद्देनजर बुधवार को ही तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों की प्रदेशों के 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थापित कर दिया गया था।
चक्रवात के प्रभाव से चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में रात भर बारिश हुई और निचले स्थानों में जल जमाव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान निवार तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरता हुआ आगे निकल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक टकराने के बाद चक्रवाती तूफान अब पहले की तरह खतरनाक नहीं रहा, लेकिन तेज हवा के साथ बारिश अभी भी जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। एबी स्टार न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।